सभी छात्रों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। आज हम इंटर सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए फास्ट में जो बंधक होता है उसमें लिमिट ड्राइंग के बारे में आपको ड्राइंग डायग्राम प्रो करेंगे। तो आप सभी जानते हैं जॉइंट है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्थाई जॉइंट। स्थाई जॉइंट ऐसा होता है जिसमें आप एक बार जॉइंट करने के बाद आवश्यकता अनुसार आप उसको खोल और बंद नहीं कर सकते, जैसे लिविट जॉइंट, ब्रेजिंग जॉइंट, बेल्डिंग जॉइंट आदि स्थाई जॉइंट मानते हैं। जबकि दूसरा जो होता है वह होता है अस्थाई जॉइंट। अस्थाई जॉइंट इसमें नट बोल्ट, स्क्रू, थ्रेड आदि का उपयोग करते हुए जॉइंट बनाया जाता है, तो अस्थाई जॉइंट होता है। तो आज हम स्थाई जॉइंट के बारे में जिसमें रिविट होती है, तो रिविट जॉइंट है, लिविट जॉइंट आप सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं लैप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। लैप जॉइंट और बट जॉइंट, इन दोनों जॉइंटों में आप सीट मेटल काटने में इनका उपयोग करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक प्लेटों को आप एक साथ जोड़ने के लिए लैप और बट जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। लैप जॉइंट होता है उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, और जो बट जॉइंट होता है उसमें भी, जैसे इसमें सिंगल लिमिट और डबल लिमिट, ये दो तरह के होते हैं, सिंगल लिमिट लैप जॉइंट और डबल लिमिट। परंतु इनमें इन जॉइंटों को बनाने पर ये एंड बनाए जाते हैं, परंतु इनमें आपको मानक जो स्टैंडर्ड नाप होती है उनकी नापों का आवश्यक ध्यान रखना है। तो यह सभी आपकी प्लेट की मोटाई पर डिपेंड करती है, जो स्टैंडर्ड नाप है वो सभी, जैसे हमारी जो चद्दर है सीट मैट्रिक में, जैसे आपको इसको और इस दोनों को एक साथ जोड़ना है, इनको आप बट जॉइंट में भी जोड़ सकते हैं और लैप जॉइंट में भी जोड़ सकते हैं। बट जॉइंट में दो या दो से अधिक प्लेटों की आवश्यकता होती है, जबकि लैप जॉइंट में दो प्लेटों की आवश्यकता होती है। जैसे इनके सिरो, जैसे दोनों सीट मेटल प्लेट हैं, इनको इस प्रकार जोड़ा जाए तो यह लैप जॉइंट कहलाता है। अब इसमें लिमिटों की संख्या आप एक रखें, पंक्ति या दो रखें, उस अनुसार आप सिंगल लिमिट और डबल लिमिट नाम दिया जाता है। जबकि इन प्लेटों के छोर जो किनारे एक दूसरे से स्पर्श करके और इसमें तीसरी प्लेट ऊपर रखकर जॉइंट बनाया जाए तो वह बट जॉइंट कहलाता है। उसमें आप यदि एक तरफ कवर लगाते हैं तो वह सिंगल स्टेप बट जॉइंट कहलाता है, और यदि दोनों तरफ कवर लगा दिए जाए तो वह डबल लिमिट या डबल स्टेप जॉइंट कहलाता है। परंतु जो यह प्लेट है इसकी मोटाई के आधार पर ही आपको इसकी स्टैंडर्ड नाप लेनी है, जो भी, क्योंकि यदि प्लेट की जैसे थिकनेस हम टी है, टी बराबर प्लेट की मोटाई, जो प्लेट की मोटाई पर निर्भर करती है सभी स्टैंडर्ड नाप, जितनी मोटी प्लेट होगी आपको उसी अनुसार लिमिट और लिमिटों के बीच में जो गैप होता है वह रखना पड़ता है। यदि टी का मान एमएम में दिया गया हो मिलीमीटर, तो आपको डी निकालने के लिए 6√T यूज करना है। डी का मतलब होता है आपकी लिमिट का व्यास, जो लिमिट है आप कितनी थिकनेस मोटाई की लिमिट उपयोग करेंगे, और यदि टी का मान सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपको डी निकालने का लिए
1.9 अंडर रूट t का फार्मूला उपयोग करना चाहिए। t का मतलब प्लेट की मोटाई और d का मान आंकड़े में जो थिकनेस, जैसे लिमिट आप लगा देंगे, लिमिट आप सभी जानते हैं एक गियर लिमिट होती है, वैसे इस प्रकार ये हमारे लिमिट। तो इस लिमिट को कितनी मोटाई में यूज करना है वह प्लेट की मोटाई पर डिपेंड करता है। जितनी मोटी आप चक्कर लेंगे उसी अनुपात में आप लिमिट का उपयोग करेंगे, क्योंकि यदि आपकी चक्कर कम थिकनेस की है तो इसमें आप लिमिट आप कितनी मोटी नहीं लगा सकते, आप उसी अनुपात में आप इसमें लिमिट उपयोग करेंगे। यदि ज़्यादा मोटी लिमिट लगा दी तो आपका चक्कर यहाँ से टूट सकता है, तो और यदि चक्कर मोटी है तो उसमें उसी अनुपात में आप लिमिट मोटी उपयोग करेंगे, तो वह आपको इन स्टैंडर्ड मापों के अनुसार निकाला जाएगा। ये आपका डिपेंड करता है, यदि मिलीमीटर में साइज दिया है, एक आपको मेरी प्लेट जो है, हमारी प्लेट की मोटाई मानो 4 mm है, तो 4 mm मोटाई की प्लेट यूज करनी है। जैसे ये आपको ये जो प्लेट है वो 4 mm मोटी है और इसके ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ा दी इस प्रकार, ये भी 4 mm मोटी है। अब परंतु यह एक निश्चित नाप होती है, आपको एक प्लेट इसके ऊपर कितनी चढ़ानी है यह नहीं, अपनी इच्छा अनुसार ये दो प्लेट है और इनको आप कितनी भी चढ़ा के लिमिट लगा दें, इनको आप अपने हिसाब से कम भी नहीं चढ़ा सकते। यदि इनको कम चढ़ाएंगे तो एक दूसरे से छह जाएंगे लिमिट, तो इनको इस अनुपात में आप इसके ऊपर कितनी चढ़ाएंगे वह रखा जाता है स्टैंडर्ड नाप। जैसे इसका ये सेंटर है, इससे इस सिरे को यहाँ से इस दूरी ये रखी जाती है 1.5 डी और इधर रखी जाती है ये भी 1.5 डी, तो इसका मतलब 3D के बराबर आपको प्लेट एक दूसरे के ऊपर छटानी है। अब डी का मान, जो डी का मान आप इस फार्मूले से निकालेंगे, जैसे आपको मान लिया टी जो प्लेट है उसकी ये टी का मान आपको दे दिया जैसे 4 mm है, तो डी का मान निकालने के लिए 6√4 हमने टी की जगह 4 रखा क्योंकि mm में मान दिया गया है। डी बराबर इसको √2 करेंगे तो 2 होगा 6 × 2 और डी का मान हो गया क्या 12, ये एम 12 mm डी। डी का मतलब होता है जो डी होती है उस पर होती है लिमिट का व्यास, लिमिट का व्यास। अब ये लिमिट जैसे ये है, जैसे हमने ये दोनों चक्कर रख दी ऊपर नीचे इस प्रकार रखी है दोनों, और अब इनमें जो होल करना है वह आपको इतना मोटा करना है जितनी मोटी लिमिट बोल्ट लगाएंगे, तो ये नहीं कि आप कम करें, ज्यादा कर दिया तो लिमिट लूज होगी आपकी, एक दो से हिलते और छेंगे। तो आप इस लिमिट का व्यास इसे कहेंगे जो ये कितनी मोटी लिमिट यूज कर रहे हैं आप इसमें, जिसको डी से संबोधित किया जाता है। तो इसका मतलब ये कहा गया है यहाँ से 1.5 डी और यहाँ से यह निश्चित होता है, स्टैंडर्ड नाप होती है, लिमिट को चढ़ाते समय एक छोर से सेंटर की दूरी 1.5 डी और इधर छोर से 1.5 डी, तो 6 डी रखी जाती है किसमें, सिंगल लिमिट लेग जॉइंट में, ये सिंगल लिमिट हम एक लिमिट यूज करेंगे यहाँ पर, एक लिमिट का दिए और कर दिया हमने दोनों प्लेटों में और ये लिमिट लगा दी, जैसे ये लिमिट हमने इधर इसका स्टेप आ गया, इधर से इसको बोर्ड पेन हैमर की सहायता से इधर भी इसमें हेड बना दिया, तो इस सेंटर से और यहाँ तक की 1.5 डी और इधर से ये 1.5 डी।
तो ये कुल 3D चढ़ गई। 3D का मतलब होता है 3 × 12 और ये कितना हो गया 36। तो 36 एमएम आपने एक दूसरे के ऊपर प्लेट छटाई दे दी। और इसका ये है जो कितना है डी। डी का मतलब होता है कितनी 12 निकल रहा है तब जब टी का मान हमने 4 mm रखा है तब। तो यहाँ पर यह आपको यहाँ पे 4, 12, 16, 15 ऐसे कुछ नहीं दर्शाते और आपको स्टैंडर्ड माप दर्शानी है जो होती है। जैसे इसको टी से, इसको 1.5D से, इसे 1.5D से, इसे डी से, और जो ये एल की ऊंचाई होती है वो होती है 0.7D। और इसमें आपको सेक्शन लाइन 45 डिग्री में दर्शानी है क्योंकि यह लिंट का जो लिंट जॉइंट है उसका फ्रंट वॉल दर्शाया गया है। क्योंकि यह प्लेट इस प्रकार जोड़ रखी है तो आपको सामने से देखने पर यही हिस्सा दिखेगा, तो सामने से आपको यह दिखाया गया है फ्रंट वॉल। परंतु इसमें एक रिविट लग रही है, दो लग रही है, तीन लग रही है, एक पंक्ति में कितने भी रिविट लगे वह सिंगल रिविट लेफ्ट जॉइंटिंग कहलाएगा। परंतु वह संख्या दिखाने के लिए इसका टॉप व्यू डिटेल ड्राइंग में फ्रंट और टॉप व्यू दर्शाना जरूरी है। तो आप इसका टॉप व्यू भी बनाएंगे नीचे। इधर आपने 45 डिग्री में डाली, इधर भी 45 डिग्री में विपरीत दिशा में डालेंगे क्योंकि दो प्लेट है एक साथ। नाप आपको यह नहीं दर्शानी है कि ये 36 चढ़ाई है, ये 4 है, ये 15 है, ये 16 है, ऐसा कुछ नहीं। आपको स्टैंडर्ड नाप ये होती है, ये लिखना है एग्जाम में 1.5D, ये 0.7D, ये टी और ये टी। नापना नहीं है आपको, फिर एंड रूप से चढ़ा के और आपने ये लिख दिया और बस आपको ये बार होगा लिख दिया इसके अनुसार हमने बस। इससे ये पर्व निश्चित होता है जो लास्ट छोर है उससे सेंटर की दूरी 1.5D होती है सब जॉइंट पर, चाहे सिंगल हो चाहे डबल रिवेट जॉइंट हो। अंदर ये सूत्र है, ये सूत्र है हमारे लिए, ये रिविट का जब ये फार्मूला आपको कितनी चढ़ाई जाती है ये आपके ये फार्मूले के अनुसार और आप कितनी सब स्टैंडर्ड नाम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मानना है आपने कितनी मोटी मानी है, जितनी मोटी ले रही है उसी अनुसार चल पता नहीं बंदे क्या है। हाँ। फिर ये बनाए जाते हैं, निश्चित नहीं है आपको ये भी मान किया जाए, आपको सिर्फ ये दिया जाए सिंगल रिविट बट जॉइंट ड्रॉ करें। तो आप अपने हिसाब से बनाए कितनी बड़ी छोटी बस ये लिख दे कि होता इतना है निश्चित, जितनी भी डी ली जाएगी उस अनुसार निकला है बाद में, परंतु आपको लेना नहीं है डी कितनी है। ये आपने लिख दिया, अब कोई भी आदमी कोई 10 mm मोटी प्लेट जोड़े, कोई 15 जोड़े, कोई 20 मोटी ले चलता तो उस अनुसार निकल जाएगा, वो जब भी वही निकल जाएगा। अब इसका हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे क्योंकि लिमिट जॉइंट बात है। कोई भी डिटेल ड्रॉइंग असेंबली ड्रॉइंग में एक बनाए जाते हैं, असेंबली 30 डिग्री में इस प्रकार बनाए जाती है। जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट दूसरी प्लेट जैसे इसके ऊपर इस प्रकार जोड़ दिया हमने, ये जोड़ दोनों प्लेट जोड़ते, परंतु यदि हम सामने से देखेंगे तो हमको ये दोनों प्लेट ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े दिखेंगे और टॉप में इनको कितनी लिमिट लग रही है वह दिखाना है। तो यहाँ से ये हमने जैसे इस प्रकार बनाया, एक प्लेट बनेगी ऊपर से देखेंगे तो इसके नीचे वाला प्लेट इतना हिस्सा नहीं दिखेगा इसका यहाँ तक का, तो इसको डॉटेड वगैरह बनाएंगे। ये बात ये डॉटेड में इधर की प्लेट पूरी दिखेगी चंदर यहाँ से इस जगह से और बिल्कुल यहाँ तक ये देखिए। और इसमें आप ये रिवेट लगाएंगे जैसे ये इस हेड के बराबर है, ये हेड रखा जाता है कितना, ये डी है, ये तो ये है जो
1.6 लीटर का जाता है ये चौड़ा डेढ़ गुना। यदि ये 10 है तो ये 1500 लगा लो। ये आपने हेड के बराबर लिए, ये स्टेप जितनी डी है डी के बराबर डॉट डेट लेंगे।